बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई। तो सबसे पहले हम गोश्त डाल देंगे पैन में। इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, चॉप किए हुए टमाटर, सॉल्ट डाल देंगे इसके ऊपर और इसको हम ढक देंगे जब तक ये अपना पानी छोड़ दे और अपने ही पानी में गोश्त गल जाएगा। और टमाटो और प्याज का जो अपना पानी होगा इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, जो प्याज और टमाटर का पानी था तो उसमें गोश्त गल गया है ऑलमोस्ट। तो अब हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे ऑयल। भून लेंगे थोड़ा सा अच्छी तरह से। एक टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल देंगे। भून लेंगे। पेंट किया हुआ योगर्ट डाल देंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा, इसमें बस जो टेस्ट होगा तो वो ब्लैक पेपर का ही आएगा, इसमें हरी मिर्ची नहीं जाएंगी। अब हम इसको कुक करेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए ऑयल बाहर आ गया है, और अगर आप चाहें तो इसमें इसको और भी सुखा सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसमें इतना ग्रेवी कर सकते हैं। तो गार्निशिंग के लिए धनिया डाल देंगे। अदरक डाल देंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।